subscribe now and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल ऑल टेक ट्रेक यूट्यूब में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको इस डिवाइस के बारे में बताया था कि यदि आपके पास पुराने एनीकास्ट डिवाइस है और वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसको इस बॉक्स में कैसे रेडी कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में बहुत से फ्रेंड्स ने मुझको कमेंट किया था कि इस डिवाइस को टीवी पर चला के दिखाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इस डिवाइस को आपको टीवी पर टेस्ट करके दिखाने वाला हूं और साथ में आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है और स्मूथ चलता है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरा सेटअप कर लिया है। जो मेरा कन्वर्टर है HDMI कन्वर्टर, उसमें मैंने जो मेरी छोटी CRT टीवी है ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कनेक्ट कर लिया है। तो चलिए अब मैं जो मेरा डिवाइस है इसको ऑन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा डिवाइस है, सबसे पहले मैं इसका जो पावर है वो ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने पावर के लिए एक स्विच लगाया हुआ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो ग्रीन कलर का LED है वो जल गया है और साथ में जो मेरा DC फैन है वो भी ऑन हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा एनीकास्ट डिवाइस का डिस्प्ले है वो TV पर आ गया है। तो दोस्तों, अब इसके बाद जो मेरा फ़ोन है वो मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले चलिए मैं मेरे फ़ोन की जो सेटिंग्स है वो पहले मैं ऑन कर लेता हूँ। तो इसके बाद पहले मुझे अपना वाईफाई ऑन करना होगा, तो यहाँ पर मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वायरलेस डिस्प्ले का ऑप्शन है वो मैं ऑन कर लेता हूँ। तो चलिए, ऑन करने के बाद तो ये थोड़ा मेरा जो एनीकास्ट डिवाइस है उसको सर्च करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा स्कैन कर लेता हूँ। इसके बाद आप देख सकते हैं जो मेरे डिवाइस का नेम है वो एनीकास्ट यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए, मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस पर टैप करता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने कनेक्ट किया था अपना फ़ोन, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर ये ठीक तरीके से आ चुका है। तो अब मैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पिक्चर के लिए नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये जो मेरा TV है वो बहुत पुराने ज़माने का है और साथ में ब्लैक एंड वाइट होने की वजह से आपको ठीक तरीके से ये नहीं दिखेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा टॉप TV है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा यहाँ पर वेट कर लेते हैं, मेरा जो मोबाइल है थोड़ा प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। तो यहाँ पर कोई भी कंटेंट हम प्ले कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉप TV है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ और आपको एक कोई भी चैनल प्ले करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा PTC पंजाबी चैनल है वो मैं आपको यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो देख दोस्तों, आप देख सकते हैं जो मेरा प्लेबैक है काफ़ी बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्लेबैक है इसका वो काफ़ी शानदार है और इसमें जो मैं यहाँ से वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस डिवाइस में दो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि इसकी जो स्क्रीन मिरर के दौरान इसमें जो पिक्सल आपके वीक हो जाते थे तो वो भी ठीक तरीके से वर्क कर रहा है और साथ में ये जो हीट होने की प्रॉब्लम हो रही थी वो भी इसमें ठीक हो गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, काफ़ी स्मूथली ये जो मेरा डिवाइस है चल रहा है। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक बार YouTube भी चला के दिखा देता हूँ। तो ये मैंने ऑन करा YouTube और यहाँ पर मैं अपने जो चैनल है वो ही सर्च कर लेता हूँ ताकि कोई स्ट्राइक ना आए। तो चलिए, कोई भी वीडियो हम प्ले कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा YouTube है वो भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं जो मैं मोबाइल में चला रहा हूँ अभी इस टाइम, वही मेरे जो ओल्ड CRT TV है ब्लैक एंड वाइट TV उस पर भी चल रहा है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो मेरा बड़ा TV है उस पर भी मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि ये वीडियो फेक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो मेरा ब्लैक एंड वाइट TV का कनेक्शन है वो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं जो मेरा कन्वर्टर है उसको मैं निकाल के और जो मेरा बड़ा TV का ऑडियो वीडियो का केबल है वो मैं लगा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो मेरा कन्वर्टर है वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा बड़ी TV है वो भी मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं इसके बाद आपको इस पर भी ये चला के दिखा देता हूँ। तो चलिए, मेरा जो डिवाइस है फिर से मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस ऑन हो चुका है। इसमें
ग्रीन कलर की एलईडी जो है वो ऑन हो गई है। तो चलिए इंटरफेस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से जो मेरा एनीकास्ट डिवाइस है वो ऑन हो गया है। चलिए एक बार और फिर से मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी बंद करने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए फिर से मैं अपनी जो सेटिंग्स हैं फ़ोन की वो ऑन कर लेता हूँ ताकि ये फिर से आपको चला के दिखा सकूँ। तो चलिए फिर से मैं अपने वाले डिस्प्ले सेटिंग को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरा डिवाइस है, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो टीवी की स्क्रीन है वो कनेक्टिंग होने लगी है। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी की स्क्रीन पर ये मेरा कास्ट स्टार्ट हो गया है। तो चलिए मैं फटाक से बैक कर लेता हूँ और फिर से आपको कुछ भी यहाँ पर प्ले करके दिखा देता हूँ। तो चलिए फिर से मैं अपना यूट्यूब है वो ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा चैनल है यूट्यूब का वो यहाँ टीवी पर शो हो रहा है और जो कुछ वीडियोज हैं वो भी यहाँ पर आ रही। चलिए एक वीडियो मैं आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप यहाँ से काफी अच्छे से वर्क कर रहा है और जो मेरे फोन में अभी फिलहाल जो वीडियो चल रही है वही टीवी पर चल रही है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो मैंने डिवाइस बनाया है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और इसके बाद जो इसमें डिस्कनेक्टिंग की प्रॉब्लम होती थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। तो दोस्तों चलिए इसके बाद मैं आपको एक बार और कुछ और प्ले करके दिखा देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर सोनी लिप खोल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा वीडियो ब्लर कर दूंगा ताकि मेरे पास स्ट्राइक ना आए। आप समझ सकते हैं कि स्ट्राइक आने पर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं चलिए कोई भी एक चीज़ प्ले कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा टीवी का स्क्रीन है वो भी सेम चल रहा है और जो फ़ोन में है वो भी ठीक चल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसका वॉल्यूम रोक देता हूँ। तो आई होप दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।